नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। आईपीएल के सीजन 14 के दूसरे फेज में अब कुछ ही दिनों का फासला बचा है, लेकिन आईपीएल के दूसरे फेज से एक खिलाड़ी ने कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनकर सभी हैरान हैं। दरअसल आईपीएल से ठीक पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुख्य स्पिनर गेंदबाज चहल ने अपने संन्यास पर बात की है। चहल का कहना है कि आरसीबी से संन्यास लेना चाहते हैं। चहल ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि मैं आरसीबी से संन्यास लेना चाहता हूं और मेरा हमेशा यह सपना होगा कि मैं जब भी आईपीएल से खेलूं तो आरसीबी के लिए ही खेलूं। ग्लेन मैक्सवेल के आने पर चहल ने कप्तान विराट कोहली को यह कहते हुए क्रेडिट दिया कि मैक्सवेल कप्तान की अपेक्षाओं को जानते थे। चहल ने कहा कि मुझे लगता है कि किसी खिलाड़ी के खेलने के तरीके में आए बदलाव में कप्तान के बहुत मायने हैं। मैक्सवेल जानते हैं कि हमारे कप्तान भारतीय टीम के भी कप्तान हैं, जिन्हें ढीला रवैया पसंद नहीं है। उन्हें तब अच्छा लगता है जब आप मैदान में अपना 100% देते हैं, चाहे कुछ भी करें। मैक्सवेल को पता था कि वो अन्य आईपीएल फ्रेंचाइजी में वो जो ढिलाई बरत रहे थे वह यहाँ नहीं कर पाएंगे। आपको बता दूं कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है, लेकिन चहल को टीम में मौका नहीं मिला है। चहल वर्ल्ड कप टीम में मौका नहीं मिलने के बाद काफ़ी निराश हुए थे। चहल ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैचों में शानदार प्रदर्शन किया था। चहल ने श्रीलंका के खिलाफ 2 वनडे मैचों में 5 विकेट अपने नाम किए थे। चहल श्रीलंका में बाकी के मुकाबले नहीं खेल पाए थे क्योंकि कुणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनके संपर्क में आने वाले खिलाड़ियों को आइसोलेट में रहना पड़ा था। वहीं आईपीएल में चहल के प्रदर्शन पर बात करते हुए चहल ने आईपीएल में अब तक 106 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 125 विकेट अपने नाम किए हैं।